2015 में एसएससी जीडी का कट ऑफ किस स्टेट में कितना गया था, लाइन बाय लाइन करके सभी स्टेटों को हम इसमें किए हैं, और ओबीसी एससी एसटी और जनरल और एक सर्विसमैन सभी के लिए ये कट ऑफ है। तो इसके आधार पे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया है और इस साल मेडिकल के लिए कितने कट ऑफ बुलाए हैं और इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है। ऐसे तो कट ऑफ का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि इतना जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो कन्फर्म कट ऑफ नहीं है। दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं कि 2015 में किस स्टेट में कितना कट ऑफ था ओबीसी जनरल एससी एसटी के लिए। इससे पहले एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वो क्वेश्चन है, देखिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? फिर से एक बार सुन लीजिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है इसका मदुरई, उरायपुर, कावेरी पुम्पट्टनम और इसका थंजावुर। ये चार ऑप्शन हैं, मदुरई, उरायपुर, कावेरीपुर पट्टनम, थंजावुर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर और जल्दी पहुंच पाए, ताकि उस नोटिफिकेशन से आप लाभ उठा सकें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2015 में अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे हैं आपका, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल उठाते हैं, ए से लेकर जेड तक जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ में, ठीक। और ये केवल मेल कैटेगरी के लिए है, फीमेल के लिए भी हम आगे में प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का जनरल का 36, ओबीसी का 33, और एससी एसटी यहाँ पे नहीं निवास करते हैं, ठीक। उसके बाद से आंध्र प्रदेश का बात करें तो जनरल का 49, ओबीसी का 45, एससी का 33, एसटी का 42। अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो जनरल का 35, ओबीसी का 33, एससी का 33, एसटी का 33। अरुणाचल प्रदेश में केवल जनरल का ही 35 गया था, बाकी सब कैटेगरी का 33 33 गया था। और असम स्टेट का बात करें तो जनरल का 44, ओबीसी का 38, एससी का 37 और एसटी का 40, ठीक। वहीं पे अगर बिहार स्टेट का बात करें तो जनरल का 75, ओबीसी 72, एससी 58, एसटी 70। बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है दोस्तों, ठीक। वहीं छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो जनरल का 52, ओबीसी 50, एससी 50, एसटी 48। चंडीगढ़ का तो जनरल का 54, ओबीसी 46, एससी 41, यहाँ पे एसटी नहीं रहते हैं चंडीगढ़ में। और दादर एवं नगर हवेली की बात करें तो जनरल का 35, ओबीसी और एससी यहाँ पे नहीं रहते हैं, एसटी का 35। मतलब कि जो खाली हैं, जैसे ओबीसी एससी कहीं पे नहीं है, कहीं पे एसटी नहीं है, तो वहाँ पे मतलब उसका सीट नहीं आता है, ये नहीं कि निवास नहीं करते, उसका सीट एसएससी वहाँ पर नहीं प्रोवाइड करती है। उसके बाद से बात करें दमन और दीव का, तो जनरल का 37, ओबीसी का 37, एससी और एसटी यहाँ पे नहीं दिया है। दिल्ली का बात करें तो जनरल का 68, ओबीसी 62, एससी 60, एसटी 56। वहीं अगर गोवा स्टेट का बात करें तो जनरल का 35, ओबीसी का 33, एससी और एसटी यहाँ पे नहीं है। गुजरात स्टेट का बात करें तो जनरल 46, ओबीसी 39 और एससी 38 और एसटी 40 नंबर गया है, ठीक। हरियाणा का बात करें तो देखिए, जनरल का 80, पहले ही बताया कि हरियाणा का थोड़ा टफ मेरिट जाता है, तो जनरल का 80, ओबीसी 77, एससी 70, एसटी यहाँ पे नहीं है हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश का बात करें तो जनरल का 66, ओबीसी 60, एससी 60 और एसटी 62। जे एंड के, जम्मू कश्मीर का बात करें तो जनरल का 43, ओबीसी का 33, एससी का 40 और एसटी का 35। वहीं अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड का जनरल का 62 यानी कि 62, ओबीसी का 58, एससी का 40 और एसटी का 54 नंबर गया है। ये केवल मेल कैटेगरी के लिए है, ठीक। और एक सर्विस मैन का चारों तरफ का सभी स्टेट का बराबर कट ये गया है, नंबर गया है कट ऑफ का, मैन मेरिट का, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे। और कर्नाटका स्टेट का बात करें तो जनरल का 42, ओबीसी 36, एससी 33 और एसटी 39 गया है। वहीं अगर केरला स्टेट का बात करें, केरल का, तो जनरल 35, ओबीसी 33, एससी 33, एसटी 33 गया है, ठीक। अगर बात करें लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप का जनरल का 32 गया है, यहाँ पे ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, लक्षद्वीप में ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, केवल यहाँ पे जनरल है, तो जनरल का 32 नंबर गया है, ठीक। वहीं अगर बात करें एमपी मतलब मध्य प्रदेश का, तो जनरल का 67, ओबीसी का 64, एससी का 57 और एसटी का 54 गया है। महाराष्ट्र का बात करें तो जनरल 55,
ओबीसी 49, एससी 47, एसटी 47। महाराष्ट्र में एससी और एसटी दोनों बराबर गए हैं। ये कब का है? 2015 का मेन कट ऑफ है, ठीक। और मणिपुर का बात करें तो मणिपुर का है जनरल 43, ओबीसी 37, एससी 37, एसटी 34 गया है, ठीक। मेघालय का बात करें, मेघालय स्टेट का, तो जनरल 35, उसके बाद से ओबीसी 33, एससी 33, एसटी 33। यहाँ पे केवल मेघालय में जनरल का 35 गया है, वह भी दो नंबर अधिक गया है, ठीक। तो यहाँ पे हैं आपका 33 33 33, ओबीसी एससी और एसटी दोनों तीनों का बराबर है। मिजोरम का भी वही कंडीशन है, केवल जनरल का 35 गया है, बाकी सबका 33 गया है, एससी एसटी और ओबीसी का। अब देखिए नागालैंड का बात करें, नागालैंड जो कि अब की बार सब स्टेट से अधिक नंबर मेडिकल के लिए बढ़ाए हैं 2018 का वैकेंसी में, लेकिन 2015 में इसका मेन मेरिट का बात करें तो देखिए 44 नंबर है जनरल का, और ओबीसी का 33, एससी का 33 और एसटी का 33 है। उड़ीसा स्टेट का बात करें तो 46 जनरल का है, 43 ओबीसी का, 33 एससी का और 41 एसटी का है। पांडिचेरी का बात करें तो जनरल 35, ओबीसी 33, एससी 33, एसटी यहाँ पे पांडिचेरी में नहीं है सीट। वहीं अगर पंजाब का बात करें तो जनरल 54, ओबीसी 48, एससी 48, एसटी यहाँ पे नहीं है। राजस्थान का बात करें तो राजस्थान का 78, इसका भी थोड़ा कट ऑफ जाता है हाई, तो राजस्थान का 78 जनरल का, 76 गए हैं ओबीसी का, 68 गए हैं एससी का और 71 गए हैं एसटी का। सिक्किम का, तो सिक्किम का जनरल का 35, ओबीसी का 33, एससी यहाँ पर नहीं है और एसटी का 33 गया है। वहीं अगर तमिलनाडु स्टेट का बात करते हैं तो जनरल का 35 और ओबीसी एससी और एसटी तीनों का समान गया है 33 नंबर, ठीक। और तेलंगाना का बात करें जो कि जनरल का गया है 46, ओबीसी का 40, एससी का 33 और एसटी का 44 नंबर, ये 2015 का है। बार बार करें कि 2015 का मेन मेरिट का कट ऑफ है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं, ठीक। त्रिपुरा का है जनरल का 42, ओबीसी का 41, एससी का 37 और एसटी का 33 नंबर, ठीक। अगर वहीं यूपी उत्तर प्रदेश का, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का थोड़ा मेरिट हाई जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी कैटेगरी का हो, चाहे कभी भी हो, किसी पोस्ट का हो, चाहे पुलिस का ही क्यों ना हो, कुछ भी चीज़ का हो, यहाँ पे कटअप थोड़ा हाई जाता है। तो उत्तर प्रदेश का अगर जनरल का बात करें तो 77 गया था, ओबीसी का 74 गया था, एससी का गया था 66 और एसटी का 68 गया था, ठीक। उत्तराखंड का बात करें तो जनरल का 56, ओबीसी का 53, एससी का 49 और एसटी का 55 गया है। वहीं अगर लास्ट में अगर वेस्ट बंगाल का बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का 43 गया था मेन मेरिट का कट ऑफ जनरल का, ओबीसी का 36, एससी का 37 और एसटी का 40 नंबर गया था। ये कट ऑफ है 2015 का सभी कैटेगरी का और सभी स्टेट का, एक एक करके हम बता दें कि ओल मेल के लिए, फीमेल के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि एक सर्विसमैन का क्या गया था, देखिए शुरू से लेकर अंत तक जितना भी स्टेट है एक सर्विसमैन के लिए केवल 35 नंबर गया था, 35, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो एक सर्विसमैन हो है ना, तो उसका 35 नंबर गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कितने बच्चे कमेंट में कर रहे थे, फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके कई तरीके से पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जो कि 2015 में किस स्टेट का कितना कट ऑफ मेन मेरिट में गया था, तो इस बार कितना जाएगा ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो इसमें प्रश्न पूछे हैं उसका कमेंट में आप ये आंसर ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में।